पब्लिक टीवी आपकी आवाज। पुलवामा में हुए आतंकी हमले को लेकर लोगों में आक्रोश अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जहां संगठनों के द्वारा कैंडल मार्च निकालकर या पुतले फूंककर प्रदर्शन किया जा रहा है, वहीं मुरादाबाद के व्यापारी हड़ताल करके और एक दिन का बाजार बंद करके अपना विरोध जताने की कोशिश कर रहे हैं। मुरादाबाद के बाजार को बंद कराने से एक दिन पहले बाजार में सभी व्यापारियों ने एकजुट होकर लोगों से अपील की कि वो सोमवार को बाजार बंद करके अपने सैनिकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करें, साथ ही पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग सरकार से की जाएगी। इस दौरान व्यापारी नेता दीपक अग्रवाल के द्वारा संगठन का नेतृत्व किया गया और बाजार में घूमकर सभी से आह्वान किया गया कि सोमवार में होने वाला बंद सभी उसमें अपना सहयोग करें और सैनिकों को श्रद्धांजलि दें। समस्त मुरादाबाद के हिंदू संगठनों व्यापारिक संगठनों से मांग की जा रही है, जो पुलवामा में पाकिस्तानियों और आतंकवादियों ने जो हमला किया है और हमारे 44 सैनिक शहीद हुए हैं, उसके विरोध में, उनके शोक में हम मुरादाबाद के समस्त व्यापारी प्रतिष्ठानों दुकानों वालों से अनुरोध कर रहे हैं कि शोक में बाजार बंद करके हमारे सैनिकों की सहानुभूति में वो कल बाजार बंद रखें। बस पुलगांव में पूर्वा इतना आतंकवादियों के अटैक की वजह से 44 शहीद अमर हो गए, इसके विरोध में हम कल महानगर प्रवाद पूर्ण रूप से बंद रखेंगे। इसके लिए शिवसेना, नवजागरण हिंदू संगठन और लघु उद्योग व्यापार मंडल, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, शिवसेना सब हमारे साथ है और विश्व हिंदू महासंघ, और हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए कि भगवान उनको स्वर्ग दे, शांति प्रदान करें और हम इसका बदला उसी हिसाब से लेंगे जिस हिसाब से इन्होंने कायदा हरकत के लिए, हम उनका जवाब ईट का पत्थर से देंगे।